इस समय हम जलंधर बाईपास सब्जी मंडी जो पुरानी सब्जी मंडी का जो बुढ़े दरिया का पुल है वहाँ से देखा, जहाँ तक कोई भी यहाँ पर अभी रोड का कंट्रैक्टर है, तो अभी हम जहाँ पर पूछने आए हैं इनसे कि कौन सा कंट्रैक्टर है, कौन सा जेई या एसडीओ यहाँ पर इसकी निगरानी कर रहा है और जहाँ पर कैसा काम चल रहा है हम आपको दिखाते हैं। हमने कई बार मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्टर का नाम आप जरूर लिख दिया करो जब कहीं सड़क पानी होता है, तो ताकि पब्लिक को पता चल सके कि 5 साल से पहले ये जो टूटिया किस बनाई थी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जो सड़क बन रही है जी। देखिए ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कौन कितने एमएम की जो सड़क बन रही है और कैसी ये सफाई हो रही है सड़क पे, देखिए जी आप सफाई देखिए। इधर आया और देखिए जहाँ पर ये जो प्रीमियक्स डाला जा रहा है जहाँ पर, एसके कंपनियां जो काम कर रही है, अभी हमने जहाँ से पूछा था और देखिए जहाँ पर ये जो आपको दिखाते हैं कैसे सड़क का निर्माण होता है ये भी देखते रहिए साथ साथ। और हमने कई बार जैसे मैंने पहले बताया था कमिश्नर साहब से बोला कि कम से कम ठेकेदार का तो नाम बता दीजिए, आप ठेकेदार का नाम पता होगा तो हम लोग जान सकते हैं कि ये जो सड़क है कितने समय में टूटती है, ये 3 साल में टूटती है, 2 साल में टूटती है या 1 साल में टूट जाती है। और देखिए यहाँ पर और देखिए ये जो प्रीमियक्स बिछाया जा रहा है इसका लेवल क्या है, वो सड़क पर देखिए उधर से, और जो आउटलेट वगैरह है कहाँ पर पानी रुकता था कहाँ पर नहीं रुकता था, और इसका जो बरसात का पानी है किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। और जहाँ पर मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सरकारी आदमी नगर निगम का, और वो सामने जो भाई साहब जा रहे हैं तो उनसे पूछा था तो कहते हैं कि एसके कंपनी है, वो भी एक तरफ चले गए हैं, वो अपनी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय कोई भी न कंट्रैक्टर का आदमी है सीनियर आदमी जो खड़ा हो यहाँ पर जो हमें बता सके कि ये सड़क का लेबर वगैरह कैसे बन रहा है। क्या ऐसे चलता रहेगा हमारे हिंदुस्तान में, लुधियाना शहर में क्यों छुपाते हैं ये नगर कंट्रैक्टर का नाम। और देखिए जो कुछ लोग जहाँ पर खड़े थे एक साइड पर हो चुके हैं, ना जाने क्यों नगर निगम कमिश्नर मेयर और सब लोग मिलकर, कोई पार्षद नहीं बोलता, कोई जनता नहीं बोलती भी, ये जो पैसा है टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, अरबों रुपये सड़कों पर खर्चे जाते हैं, कोई इनका हिसाब भी तो दे ना। सड़कें टूट जाती हैं, ऐसी सड़कें 10-10 साल नहीं टूटनी चाहिए, जो 5 साल बाद 4 साल बाद फिर इनका नव निर्माण चालू हो जाता है, दोबारा बनाने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा यहीं पर टैक्स का लगता है लोगों के। तुसी देख रहे हो सारा काम, नहीं बंदा हो उधर गया की गल ठेके के किने लिया कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किने बोला है, केड़ा ठेकेदार है, केड़ा ठेकेदार है, केड़ी कंपनी है पता नहीं, ते अपना सरकारी कोई नगर निगम का बंदा है थे कोई केड़ा वा बुला दो एक मिनट, यही भी है पता नहीं करी थी ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਈ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਬ ਦੇਖੀਏ 5 ਵਜਨੇ ਕੋ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 350 ਜਨਾਨੀ लेडीज़ के लिए 350 रुपये दिहाड़ी है और सुबह से लेकर शाम तक ये मेहनत करते हैं और ये सड़क बन रही थी इसी का काम करते हैं। ये सवाल फिर वही उठता है सड़कें बन रही हैं कौन जेई है कौन एसडीओ है कौन एससी है किसकी निगरानी में सड़क बन रही है, क्यों नहीं ये बोर्ड लगाते सड़क के ऊपर, जब सड़क बनने से पहले इनको बोर्ड लगाना चाहिए हरे रंग का, उस पर लिखना चाहिए इतनी कॉस्ट है इतने समय में बनेगी, जेई है इस कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास उसका नाम लिखा होना चाहिए, ना जाने ये क्यों छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, जनता बोलती नहीं इसका मतलब नहीं है,
कि लोगों के जो टैक्स की कमाई है या लोगों के जो जनता जो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी जो टैक्स दिया जाता है वो सिर्फ अफसरों की जेब में ही जाता है, हम तो यही सोचेंगे। क्योंकि जब तक ये बोर्ड नहीं लगाते तब तक इनकी ईमानदारी पर शक होगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।